माई को देखता हूँ। माई 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 है क्या? माई 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 नहीं है, माई है, माई नहीं है, माई माई का आवाज, माई 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 मम्मा माई माई मर गए हैं। अभी बहू जल्दी आई है, माई को मार दिया। अभी बहू माई मर गई, गला दबा दिया। अभी बहू दत्ता बहू जल्दी आइए, जल्दी कावेरी, ए कावेरी, ए छोड़ कावेरी, क्या कर रही हो ये? आई आजी, आई आई सांस लो, सांस लो आजी। आई पानी दो ना। आई आजी पानी, पांडू पानी लेकर आ जा। माई क्या कर रही थी तुम इधर, क्या कर रही थी? हाँ माई खबरदार, अगर झूठ बोली तो हम सब लोग ने देखा है तू यहाँ क्या कर रही थी। आई की जान लेना चाह रही थी। आई इसको गले से लगाया था ना आपने, इसको खाना बनाकर खिला रही थी ना, हमको बुरा साबित किया, हम बुरे हैं और इसने क्या किया? आपकी जान लेना चाह रही थी। हाँ तो बुढ़िया की जान लेने से सब कुछ इसी को मिल जाएगा, ऐसा लग रहा था इसे। चाया दीदी मैं इधर। चुप रह, अब तू क्या बोलेगी? जच रही थी हाँ, अन्ना नायक की बहू जच रही थी। अभी रामा देखा ना, इसी वजह से हम पीछे पड़े थे इसको बाहर निकालने के लिए। क्या करना चाहती हो तुम हा? जान लेनी है? अभी मैंने नहीं। मैं क्या, मैं तुझे अभी भी लगता है मैं तुझ पर विश्वास करूंगा? अभी मैंने नहीं। इन हाथों में ताकत है ना, ताकत है ना इनमें, जान लेनी है ना, ले अभी दबा दे गला, अभी दबा दे अभी। अरे अभी काका ये क्या कर रहे हो, आजी की हालत। बीच में कोई बोलेगा नहीं हा? पानी पानी तुम आई को संभाल, तू चल बाहर। अभिराम सुनो मेरी बात। पूर्वती दी पानी ला दे। आजी आजी उठो। अभी मेरी मेरी चुप बैठ, एकदम चुप बैठ। सुनो ना प्लीज, अभी मैंने नहीं अम्मा को। अम्मा आई आज के बाद उन्हें तू कुछ नहीं बोलेगी, उन सारे रिश्तों का अपमान किया है तूने आज, इसके बाद मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, सच में माफ नहीं कर सकता। तू जा अभी प्लीज। कावेरी जा अभी, एक बार सुनो प्लीज, मैंने नहीं। निकल। ए सुन, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं यहां से निकल जा, वरना आज जो होगा उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार होगी। जा कावेरी, कावेरी जा जा जा। आ,
चली? मैं ऊपर जाना है तुझे, आज मैं तुझे दिखाती हूँ छाया मौत क्या चीज है। यही बैठे रहने का, मेरी आई का गला दबाने गई थी तू, तुझे क्या मैं ऐसे छोड़ दूंगी? मैंने नहीं किया ये। आवाज निकाली ना तो मैं गला ही दबा दूंगी। आजी कैसा लग रहा है अब? माई गला दबाया था ना, है ना, उसने गला पकड़ा था ना, मैंने देखा था, ऐसे ऐसे गला पकड़ा था। पांडू अच्छा हुआ रे बाबा तू आया, नहीं तो आज आजी, ऐसी बातें नहीं करते ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि कावेरी काकी ने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब आपको मारकर उन्हें क्या मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला रे। मतलब इसका रोज रोज का रोना सुनकर ना तंग आ गई हूँ मैं। और नहीं तो क्या अभिरामा, मैं आई को कुछ बोलती हूँ तो तुझे बहुत गुस्सा आता है ना, और आज आज तो तेरी औरत ने ही आई का गला दबाया है, बता अब क्या करेगा तू? अभी मैंने नहीं किया, ये सब मैंने ही की। कावेरी क्या किया तुमने आज, क्या किया तुमने आज, तुम मेरी आई की जान लेने वाली? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, सच में। अरे मेरी आई ने तुझे बहू की तरह नहीं खुद की बेटी की तरह इस घर में रखा। अरे छाया से जितना प्यार नहीं किया, खुद की बेटी से जितना प्यार नहीं किया, उतना तुझसे प्यार किया है उन्होंने। क्या किया तुमने आज उसका ही? अरे तेरे हाथ क्यों नहीं गए? अरे तुझे कीड़े क्यों नहीं पड़े? मन करता है जलते अंगारे रख दूं तेरे हाथ पर। तुझसे तो ना हम ही भले हैं, झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, पर मीठा मीठा बोलकर गला दबाने का विचार कभी नहीं किया। वही तो, अरे अगर हमारी आई को कुछ हो गया होता ना तो हम बच्चे अनाथ हो गए होते। उस बावले माधव को ना कौन संभालता? वो कुछ नहीं, अभिरामा इसको अब यहाँ नहीं रखना है, नहीं तो ये सबके गलों पर छुरी फिराती रहेगी। चाय दीदी, सरिता भाभी, मैं कुछ नहीं किया। अम्मा मेरी अम्मा है, मैं नहीं किया। अरे झूठ बोलते वक्त तेरी जबान क्यों नहीं कट जाती? अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे। अभिराम भैया, अभिराम भैया अब तुम ही बताओ इसे, हम लोग तो सिर्फ इसका बुरा चाहते हैं ना। मुझे बुरा बोलेगी ना तो भी चलेगा, पर तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये बला इस घर से जानी चाहिए। सरिता भाभी सुन, अब तू कुछ मत बोल, तुझे इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। ए, समझी ना, यहाँ से हमेशा के लिए चली जाना, वो भी गांव के बाहर। और फिर से पीछे मुड़ने की सोचना भी मत। हाँ अन्ना नायक की बहू हूँ मैं, तुझे पता नहीं होगा कि वो कौन थे, पर मैं तुझे दिखाती हूँ। अरे ऐसे कितने लोगों का हाथ पकड़कर यहाँ से निकाला है मैंने। कौन हूँ मैं? अरे सरिता हूँ मैं। भाभी। सरिता भाभी। अरे। अरे। क्या कर रही है? क्या हुआ तुझे ऐसा? दूर है, दूर है, दूर है मुझसे, किसी ने तो मिर्ची की धुनी लगाई है।
यहाँ कौन देगा मिर्ची की धुनी? और तुझे ही कैसे लग रही है? सहन नहीं हो रहा, इसको बुझाओ, इसको बुझाओ। छाया, तू उनके लिए पानी लेकर आ जा। भाभी ऊपर देखो। अभिराम भैया, मैं तुमको बता देती हूँ, किसी ने किया है सब कुछ, इसकी वजह से हो रहा है, इसको बाहर निकालो। सरिता, एक जमाने में कभी तुमने मुझे बाहर निकाला होगा, पर अब नहीं। किसी ने किया ये सब? अभी अभी नहीं। ये ले, तू पानी पी, पानी पी, पानी पी। अभिराम भैया, मैं तुमको बोल रही हूँ, हाँ, इसी ने किया ये सब, इसको बाहर निकालो, नहीं तो ये सबकी जान ले लेगी। नहीं अभी, मैंने कुछ नहीं किया, अभी मेरा यकीन करो, प्लीज चुप करो, निकल यहाँ। चाय दीदी, चाय दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, रुक जाओ। कावेरी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या बोल रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तुम्हें ठीक लग रहा है इसीलिए, हाँ? थोड़ी देर पहले तुम्हारी सांस रुक गई थी, इसी ने गला दबाया था, इस पर अब हमको विश्वास नहीं रहा। आई, आई, इसके बातों में मत आओ, मेरी हालत देखो क्या कर दिया इसने। वो कुछ नहीं सरिता, हमने जो तय किया है ना वही करेंगे, इसको पहले इस घर से बाहर निकालते हैं। चाय दीदी, सरिता भाभी, बहुत हुआ इसका नाटक, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो अभी। रुको, सयाजी के साथ इसका जो कुछ भी चल रहा है ना, उसमें कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता। मेरे बेटे का विश्वासघात भी इसी ने किया है, लेकिन मेरा गला दबाने वाली कावेरी नहीं थी। कावेरी किसी की जान नहीं ले सकती। आई, अरे तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जब कावेरी की आंखों में देखा ना, तब मुझे पता चला वो आंखें कावेरी की नहीं थी। मेरे गले पर का हाथ कावेरी का ही था, पर उसका जोर कावेरी का नहीं था, दूसरी ही शक्ति का था। आई, क्या कहना चाहती हो? मुझे इतना ही कहना है कि कावेरी ने मेरा गला नहीं दबाया था, वो दूसरी ही शक्ति थी। इसलिए कावेरी के बर्ताव का जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, तब तक कावेरी इस घर से नहीं जा सकती। कावेरी, ए कावेरी, कैसे चौंक गई? डर गई क्या? सुबह से तूने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए चाय लेकर आई हूँ। ले, चाय ले। अम्मा, अरे शांत हो जा, शांत हो जा, क्यों रो रही है, शांत हो जा। अम्मा, गला दबाने वाली मैं नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, देख तेरे सामने खड़ी हूँ ना मैं, खड़ी हूँ ना मैं तो। बैठ, यहाँ पर बैठ, बैठ, बैठ। हाँ, मुझे एक बात बता, तुझे कोई परेशानी हो रही है क्या? मतलब कोई आभास, कुछ अजीब सा लगता है क्या? मुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं रे, नहीं, कुछ नहीं हुआ तुझे, डरना नहीं। जब तक मैं कहूँगी नहीं ना, तब तक तुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। तुझे देखा ना मैंने घर में आते समय,
लक्ष्मी के कदमों से आई। मेरा अंदाज गलत नहीं हो सकता, किसी की जान लेने वाली नहीं है तू, लेकिन कोई तो है जो ये सब करवा रहा है। तू पहले चाय पी ले। हाँ चल। छाया माँ, छाया माँ, क्या कर रहे हैं? दर्शन देने बाहर जाने वाला था, लोग राह देख रहे हैं। उनको राह देखने दो, मैं जो बोल रही हूँ वो पहले सुनिए। अरे उस कावेरी ने मेरी आई का, तुम्हारी सास का गला दबाया। क्या बोल रही हो? और नहीं तो क्या, नसीब से बच गई वो। अब उस बुढ़िया की आंखें खुल गई है या नहीं? उसकी कहाँ से आंखें खुलने वाली हैं? उसे कितना समझाया हमने पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि कावेरी को कुछ बाहर की बाधा है और वो कावेरी उसकी इसी नासमझी का फायदा उठाती है। तो मैं क्या करूं? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सुनिए, ऐसा कुछ कीजिए कि उस कावेरी का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समझ गए? नहीं तो कल को वो कावेरी हमारी छाती पर मूंग दलने से बाज नहीं आएगी। समय रहते उपाय करना होगा, समझे ना? अरे मैं हूँ ना, तो क्यों डर रही हो? वो देख रहा है। ऐसा काम करते रहेगी ना तो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। अरे गांव में कहा क्या है, ये तुम बच्चों को पता नहीं है। बाहर गई होगी ना तो किसी चीज पर पैर गिर गया होगा, नहीं तो किसी फेरे में आ गई होगी, इसीलिए कल ऐसा कर रही थी। अब देख खुद का काम बिल्कुल अच्छे से कर रही है। कल कावेरी नहीं थी, दूसरा ही कोई था। अब हमें सिर्फ एक ही करना पड़ेगा, आँख में तेल डालकर कावेरी पर नजर रखनी पड़ेगी। मतलब जो कोई भी होगा ना, जो भी उसे तकलीफ होती है ना, वो उसे नहीं होनी चाहिए। और एक बार ना अभिराम के मन से शक का भूत निकल गया ना, तो सब कुछ कैसा एकदम सही हो जाएगा। अजी वो तो ठीक है, पर इस शक को बढ़ाने में अपने ही घर के लोग हैं ना, उनका क्या करेंगे? ये भी सही है। अभिरामा खाना बन गया है, खाने के लिए आ जा बाबा। तुझे दाल चावल पसंद है ना? अभिरामा ऐसे खाने को पेट दिखाकर नहीं जाते, चल खाने के लिए बैठ बैठ। देख तुझे भी परोस देती हूँ। खाओ। अभी काका कैसा बना है खाना? आज दो निवाले ज्यादा ही खाओगे तुम। काकी ने बनाया है पूरा खाना। अभिरामा, अरे अभिरामा से थाली छोड़कर। ये क्या है, अभिराम भैया ऐसे गुस्से में क्यों चले गए? अरे बाप रे, खाने की थाली छोड़कर गए हैं क्या? आज तक कभी खाने की थाली पर गुस्सा नहीं निकाला था उन्होंने। खाना किसने बनाया है आज का? किसने बनाया है? कावेरी ने बनाया है ना? क्यों करती है तू ऐसा? कैसे उतरेगा निवाला अभिराम भैया के गले से? इतना सब कुछ पहले ही करके बैठी है और अब ये नौटंकी क्यों कर रही है? हाँ क्या रे? हम लोग यहाँ पर जो गलत फहमियाँ हुई है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम? मैं गलत फहमी बढ़ा रही हूँ?
अरे जो कुछ भी है ना सबके सामने है। अरे पुरुषों की जात ही ऐसी है, एक बार उनके दिमाग में गुस्सा घुस गया ना तो जल्दी से निकलता नहीं है। हो जाएगा शांत। अभी ने काया नहीं, वो भूखा है। काकी जब वो शांत हो जाएगा तो मैं जाकर उसे खाने को कहती हूँ। रघुनाथ महाराज की जय। आइए आइए बैठिए। अच्छा हुआ आप आ गए इधर। रघुनाथ महाराज हमेशा सही समय पर आते हैं, नियति के पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। आगे? हाँ। कहाँ है तुम्हारी आई, कहाँ है तुम्हारी सास? इंदु भाभी, इंदु भाभी। हाँ हाँ, क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? नहीं मतलब आपको किसने बुलाया? भाभी मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, इस घर का नमक खाया है मैंने। इस घर पे संकट आने वाला है ये पता चल जाता है मुझे, साक्षात्कार होता है। किस बात का साक्षात्कार हुआ? तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारी जान के पीछे कौन पड़ा है? रात भर आंखों के सामने था, तुम्हारी गर्दन पर सवार हो रहा था, वो जान लेना चाहता है। जैसा मेरे सामने था वैसा ही मुझे दिखा। ये सब आपको आश्रम में बैठकर नजर आया होगा। उन्होंने क्या कहा सुना नहीं तूने? साक्षात्कार हुआ है उन्हें, साक्षात्कार। साक्षात्कार? इनके इस साक्षात्कार के पीछे हमारे घर के कुछ सदस्य जरूर होंगे। मतलब क्या कहना है तुझे, हमने इन्हें बताया? सरिता देखा ना तेरी बेटी का दिमाग कैसे चल रहा है। पुरवा जो मुंह में आए वो मत बोल। महाराज आप इस पर ध्यान मत दो। हाँ आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए। कहाँ है तुम्हारी बहू? उसे क्यों बुलाए? तुम्हारी बहू की वजह से ही घर में संकट आया, उसे घर से निकाल दो। आज तुम्हारी जान लेना चाहता है, जिसने हाथ थामा है उसकी भी जान लेगा। तुम्हारे बेटे की जान को धोखा है। भाभी जहर की परीक्षा मत लो। बस करो अब। रुआ रुको आई। अरे हम आपको रघु काका कहते हैं, ऐसे हालातों में आपको हमें सहारा देना चाहिए, पर आप क्या कर रहे हैं, कावेरी काकी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी काका और कावेरी काकी का रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे हैं। नाता तोड़ना बहुत आसान है, पर टूटे रिश्ते को जोड़ना उतना ही मुश्किल। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। पर नहीं, आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। पुरवा मुंह बंद रख। अरे पति है वो मेरे, और उससे भी महत्वपूर्ण महाराज है वो, रघुनाथ महाराज। पुरवा चल माफी मांग इनसे। नहीं मांगूंगी माफी। पुरवा माफी मांग इनसे, बोला ना। नहीं मांगूंगी माफी। इनके पास शक्तियां हैं ना, तो करे कुछ मेरा बुरा। वैसे भी अब और क्या बुरा होना बचा है मेरे साथ। काका आपको जो मुझे श्राप देना है दीजिए, पर मैं माफी नहीं मांगने वाली। पुरवा सरिता भाभी रुको। पुरवा बड़े हैं वो काकी, पर वो तुम्हारे बारे में। हाँ सुना मैंने, माफी मांगो, वो बड़े हैं। नहीं काका, पुरवा बिहाफ पुरवा की तरफ से माफी मांगती है। मुझ पर डाउट होगा, आपको मुझ पर शक होगा, मेरी वजह से तकलीफ हो रही होगी ना, मुझ में बुरी
मुझ में बुरी शक्तियां होंगी ना, तो प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए। मुझे दिखाओ शक्ति है, साबित करेंगे ना। मैं घर छोड़कर जाऊंगी खुद ही फॉरएवर। ए क्या कर रही है? मैंने क्या किया? सिर्फ पूछा। पूछ नहीं रही थी। मेरे पति रघुनाथ महाराज को आह्वान कर रही थी। अरे कहां कहां से लोग आते हैं इनके पैर पड़ने के लिए, तुझे क्या पता? सिर्फ माथे पर हाथ रख दे तो लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब तेरे दिन भर गए। इन्होंने तेरे अंदर की शक्तियों को पहचान लिया है और उस बुरी शक्ति को वो अब इस घर से बाहर निकालेंगे। उसके लिए अगर तुझे इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा ना तो भी चलेगा। रघुनाथ महाराज अब आप भी पीछे मत हट जाना। अरे हमारे अभिराम भैया को इसने अपनी जाल में फंसा लिया और अब सयाजी राव को भी फंसा रही है ये। क्यारी सुश्रिया की गृहस्थी में जहर फैला रही है ना? अरे उसी वजह से तेरी गृहस्थी भी बर्बाद हो रही है। क्या चल रहा है? अभी काका अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे रोको ये सब, तुम्हारा भी रघु काका के उपायों पर विश्वास नहीं है ना? उसे विश्वास नहीं था पर अब उसे विश्वास हो गया है। इसने उसकी जिंदगी खराब कर दी है तो वो इसके साथ रिश्ता क्यों रखना चाहेगा? क्यों रे अभिरामा? छाया रे गृहस्थी उनकी है, क्या करना है क्या नहीं वो तय करेंगे। भाभी तुम कितनी भोली हो, मौत के दरवाजे से लौटी हो फिर भी इसकी तरफदारी कर रही हो। तुमको और अभिराम को बता देता हूँ, इसे अगर बाड़े में रखा तो पश्चाताप होगा। मुझे आह्वान करती हो, तेरा आह्वान मैं स्वीकार करता हूँ। तेरे काले जादू से ही तुझे बाहर निकालूंगा, वो देख रहा है। अभी अरे सुनो तो, अभी कावेरी अभी बोलना है तुमसे। कितना करोगे इग्नोर? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। अभी तुम लाए मुझे यहाँ, मैं आई, विश्वास करो। तुम्हें निकालना है निकालो, पर बाकी कोई नहीं। मैं आई फिर वो लोग आए, मैंने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ कहा नहीं, वो मुझे बाहर निकाल रहे हैं अभी और तुम चुप हो। मैं समझ नहीं पाती ये क्यों होता है, ये कैसे होता है पता नहीं मुझे। तुम समझ लो ना मुझे। हाँ हाँ तुम ऐसे तो नहीं हो ना अभी, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारा प्यार है ना मुझ पर, है ना रे? परिक्रमा में बोला था कि साथ दोगे, दोगे ना अभी? अभी अभी मेरी बात सुनो, अभी अभी सुनो ना।
अभी प्लीज सुनो। ये कोयला देंगे ना तो आएगी मछली। क्या बोल रही है ये? क्या बोल रही हूँ क्या मतलब? अरे बीमारी में एक पैसा नहीं था मेरे पास, और जो था ना वो सब भी दवाई में चला गया। अब अभिराम भैया ने तो मदद की, पर हमको भी तो अपनी तरफ से कुछ करना होगा ना। अब मछलियों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अच्छा नहीं है ये, पर बीमार जब से पड़े हैं तब से जबान के चोचले बढ़ गए हैं तुम्हारे। अरे खाने का मन क्या इसलिए पूछा? इधर ऐसे सोते रहते हो और आर्डर देते रहते हो, मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है, कोई मछली वछली नहीं मिलेगी। हाँ सरिता शांत हो जा रे, तबीयत खराब है उसकी। तबीयत खराब है पर फरमाइश देखो ना साहब की। मछली खाने का मन कर रहा है ना, मैं बना देती हूँ फिर। पांडु को ना मछली लाने भेजती हूँ, जो चाहिए ना वो खा, बस जल्दी से ठीक हो जा। बेटे की फरमाइश पूरी करेंगी पर बहू का पेट खाली रखेंगी। अरे तू भी आजा खाने, तुझे किसने मना किया है, आजा। हाँ तू भी आजा। हाँ आजा। रात के खाने का बंदोबस्त हो गया। पूर्वा बन गया सब? हाँ जी। अरे कावेरी को भी खाने के लिए बुला, उसे मछलियाँ पसंद है, दत्ता के साथ वो भी खा लेगी। बुलाती हूँ। कावेरी काकी। अरे अब तक कैसे नहीं आई? अभिराम और दत्ता का खाना भी हो गया। आजी वो होती तो अभी काका ढंग से खाना नहीं खाता, इसलिए शायद ऊपर ही रुकी होगी। मैं देख कर आती हूँ। ठीक ठीक ठीक। देखो आ गई। अरे आजा काकी, आओ बैठो ना। आज ना तेरी पसंद का खाना बना है, अब पेट भर कर खा। हाँ ए पूर्वा, पूर्वा परोस काकी को। पूर्वा हाँ? काकी के साथ ना तू भी खाने बैठ जा। आजी हम तीनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहती है? ले अपने लिए भी थालियां ले ले। पसंद है ना, इसलिए पहली थाली तेरी, ले खा। मुझे नहीं पसंद ये, मैं नहीं खाती। जी, ये क्या था? पूर्वा कुछ तो करना होगा, इसे किसी ने वश में कर लिया है, अब समय बर्बाद करके नहीं चलेगा, कुछ तो बंदोबस्त करना ही होगा। देखती हूँ मैं। अभिरामा, ए अभिरामा, क्या हुआ आई, क्या बात है? तेरे से मतलब नहीं है। अभिरामा क्या हुआ? बैठ हा? बैठ यहाँ बैठ। क्या बैठ, हुआ है? बैठ बैठ यहाँ बैठ। आपको आपस में बात करनी है ना तो मैं अंदर जाती हूँ। क्या है ना, मेरे सामने बात नहीं करनी है तो अच्छा है मैं अंदर चली जाऊँ। हमें तेरी जैसी आदत नहीं है। अभिरामा कावेरी ने खाने की थाली फेंक दी। अभिरामा उसे मछली पसंद है फिर भी खाने की थाली दूर कर दी, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे क्या होगा आई, जानबूझकर कर रही है वो।
खाने की थाली पे गुस्सा क्यों उतारेगी? आई, मैं इसके सारे नाटक जानता हूँ। अरे वो नाटक नहीं कर रही है, और होगा भी ना तो कुछ गड़बड़ी होगी। कावेरी ऐसा बर्ताव करने वाली नहीं है। आई, तुम्हारे मन को समझाओ, वो हम लोगों को फंसा रही है। अभिरामा, तुझसे 4 बरसाते ज्यादा देखी है मैंने। अरे फंसाने वाले लोग ना मुझे बहुत देर से समझ में आते हैं। हम फंसा रहे हैं आपको, और आपकी छोटी बहू क्या दूध की धुली हुई है? क्या रे सरिता, क्या चल रहा है? छाया दीदी, अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा समझाओ अपनी आई को, इतना सब होने के बाद भी उसकी तरफदारी कर रही है, उसी पर विश्वास कर रही है ये। भाभी झगड़ा मत करो प्लीज। ठीक है अभिराम भैया, तुम कहते हो ना इसलिए चुप हो रही हूँ, तुमको परेशान नहीं करना चाहती मैं। आई तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँ? उसे फिर से स्वीकार करूँ मैं, कि उसे मैं समझ लूँ, या उसकी सारी गलतियाँ मैं माफ कर दूँ? तुम बोलो, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? एक बार मेरे लिए ना हम किसी को दिखाते हैं, कुछ तो उपाय करना होगा, और जो कुछ भी होगा ना उसका बंदोबस्त करना होगा। अरे आई, तुम अब भी उसके बर्ताव का समर्थन कर रही हो, तुम ये क्यों भूल रही हो? मैंने उसे सयाजी की बाहों में देखा है, और उसी कावेरी ने तुम्हारा गला भी दबाया है, और अब जो ये सब कर रही है ना, वो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। मतलब एक बार उसने तुम्हारा विश्वास जीत लिया ना, फिर सब कुछ करने की छूट मिल गई ना उसे। वैसा नहीं है रे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम बताओ ना, कैसे विश्वास करूं मैं उस पर? एक बार मेरे लिए। आई, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर कावेरी के लिए अब मेरी सहानुभूति खत्म हो चुकी है, और अब आगे होगी भी नहीं। इसके बावजूद अगर तुम कुछ करना चाहती हो ना, तुम करो। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जरा खुद के लिए थोड़ा समय चाहिए, आता हूँ मैं। अभिरामा मेरा सुन, अभिरामा, अभिराम। आजी आजी शांत हो जाओ। अरे मेरा अभिराम, कभी ऐसा गुस्सा करते हुए घर से बाहर नहीं गए रे। आजी देखो, अभी काका का दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो आ जाएंगे। वो जब तक आता नहीं तब तक मुझे ठीक नहीं लगेगा रे। दत्ता, रे दत्ता, तेरा जाकर से ढूंढ रे बाबा। आई, अरे तबीयत खराब है उनकी, अभी गोली दी है उनको, ऐसी हालत में कहाँ बाहर जाएंगे वो। हे भगवान, मैंने भी क्या विषय निकाल। देवा, मेरी मति भ्रष्ट हो गई है रे, तो क्या बोला है वो भी समझ में नहीं आता। पर आजी तुम ये उनके भले के लिए ही कह रही थी ना। मेरा मन खाए जा रहा है रे, वो नहीं रुकेगा। मैं जाकर मेरे देवघर में भगवान के पास बैठती हूँ, मेरे भगवान के पास बैठती हूँ, जाती हूँ वही बैठती हूँ। देखा ना, गई अब उससे प्रार्थना करने, वो अब क्या कर लेंगे इसमें। बुआ ऐसा क्यों बोल रही हो? इस घर के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, किसी को तो बड़प्पन दिखाना होगा ना। तुम दोनों तो आग में घी डाल रहे हो। पूर्वा, बहुत जुबान चल रही है तेरी। पूर्वा, अभी अभी याद आई तुझे अपने पति की? अब चिंता जता रही है तू? पर अब चिंता जता के ना कोई फायदा नहीं। पूर्वा, काकी अभी काका गुस्से में बाहर गया है। कहाँ? पता नहीं, अभी को कॉल किया, फोन स्विच्ड ऑफ। मैं ढूंढने जाती। अरे पर तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी, और गाड़ी लेकर गया है वो, देखती हूँ मैं। अच्छा बहाना ढूंढा है बाहर निकलने के लिए। एक भी मौका मत छोड़ना उससे मिलने का। आपको दत्ता भैया की फिक्र, मुझे मेरी अभी की फिक्र। मैं जाएगी। काकी रुको, मैं पांडू को बुलाती हूँ। ए तू यहीं पर है, बावला नहीं है कमरे में, पता नहीं कहाँ चला गया है। पूर्वा
मैं ढूंढती अभी को, मैं जाती। काकी पर आजी, मैं बात करती है। अम्मा मंदिर में है आजी। देवा महाराजा, घर के सारे क्लेश दूर हो जाए रे बाबा। मेरा बेटा गुस्सा होकर घर से बाहर गया है, उसे घर सही सलामत भेज, फिकर हो रही है उसकी। अम्मा क्या रे, आ गया अभिराम? नहीं, मैं जाती ढूंढने उसको। अरे समय क्या है, तू कहाँ ढूंढेगी उसे? मैं लाएगी उसको। अरे पर बच्ची का रक्षण करना रे बाबा।